الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. मैंने तो एक सो होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सदाकल्लाहुल अज़ीम, सदाका रसूलिल करीम। अजीज प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब दिया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीरत पर यह क्विज चलाई जा रही है। आप सबको इसके लिए इस्तकबाल करती हूँ। अहलन सहलन, मरहबा मरहबा मरहबा। हमारा आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ये मैं अल्लाह से दुआ करूँगी इंशाअल्लाह। इस क्विज के जज हैं रिदा तबस्सुम, और इस क्विज में दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहले ग्रुप का नाम है सारा और दूसरे ग्रुप का नाम है हाजरा। इसमें तीन राउंड बनाए गए हैं। पहले राउंड में दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दूसरे राउंड में चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आखिरी तीसरे राउंड में आपके सामने चीट रखे जाएंगे। मैं जिस ग्रुप को बुलाऊंगी वो ग्रुप आकर चीट उठाएंगे। हम सबसे पहले दोनों ग्रुप्स का तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले मैं सारा ग्रुप को गुजारिश करती हूँ कि वो अपना तारुफ करें। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले मैं सारा ग्रुप से क्वेश्चंस पूछूंगी। सारा ग्रुप, आपका पहला सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के दोस्त रसूल। माशाल्लाह। दूसरा सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इराक के उस शहर में। हाजरा ग्रुप, आपका पहला सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम क्या है? आजा। दूसरा सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू उन्हें घर से किस लिए निकाला था? मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे, इसलिए निकाला। माशाल्लाह। अब यहीं पे पहला राउंड खत्म हुआ है, और दूसरा राउंड दूसरे ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। हाजरा ग्रुप, आपका पहला सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू क्या काम करते थे? मूर्तियां बनाते थे। दूसरा सवाल, हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। जिंदगी और मौत कौन देता है? अल्लाह ताला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? मैं सिर्फ एक अल्लाह को जानता हूँ, और जमीन और आसमान सूरज चांद सब बनाया है, मैं खुद तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, सिर्फ एक खुदा की इबादत करता हूँ। माशाल्लाह, आपने चारों जवाब बहुत अच्छी तरह दिए हैं। सारा ग्रुप, आपका पहला सवाल है, बुतों को किसने तोड़ा था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम के लोग किस किस की पूजा करते थे? माशाल्लाह। तीसरा सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले किस चीज को देखकर बोले कि शायद ये मेरा खुदा होगा? माशाल्लाह। जब तारे भी डूब गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? चारा सवाल, तारे भी डूब जाने के बाद फिर किस चीज को देखकर बोलेंगे शायद ये मेरा खुदा होगा? चांद।
चांद भी डूब जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? डूब जाने वाला मेरा खुदा नहीं है। माशाल्लाह, अब तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में मैं जिस ग्रुप को चीट लेने को बोलूंगी वही आकर लेंगे। मैं सारा ग्रुप से गुजारिश करती हूँ कि वो चीट ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में कितनी मर्तबा आया है? 25, 26, 25, 68। सही सवाल, सही जवाब। अल्लाह के मुताल्लुक कुछ बातें बताइए। तेरा बहुत बड़ा है से गुजारिश करती हूँ कि वो चीट उठाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की कितनी सूरतों में आया है? 25। सही जवाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने पूछा कि बुतों को किसने तोड़ा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वो बड़े बुत है, इसके द्वारा मैं खुदाई है, देखो उसी से जाग बुतों ने तोड़ा होगा। माशाल्लाह। इस क्विज का अनाउंसमेंट हमारे जज रिदा तबस्सुम करेंगे। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم All praise indeed to Allah subhanahu wa ta'ala complete blessings and salutation of the masterpiece Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Another administrator, beloved brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, chapter 1, Surah Baqarah, ayat number 260. That, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فأثرهن إليك ثم اجعل على كل جبال منهن جوزا ثم اجعلهن يتينك سعيا واعلم أن الله عزيز رحيم ترجمہ Call to mind the other event also. Then Abraham said, Oh my Lord, show me how you bring them back to life. He said, Have you no faith on this? But Abraham humbly replied, I do believe, but I ask this to reassure my heart. Allah said, Well, take 4 birds and tame them with yourself and then cut into pieces and then place a piece of each of them and then each on hill and call they will then coming to you. Now this for Allah creatures. Allah is all powerful, all wise. So I pray to God bless those teams. Those teams given right answers for quiz of Ibrahim alayhi salam. I happy to make a judgment of both teams. I would like to award for give a both teams like come and award from me. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मजलिस की दुआ के साथ क्विज बर्खास्त होता है। सुभानक अल्लाहुम्मा सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका वातुबु इलैक वातुबु इलैक।